हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 15 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 16 पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती हैं, तो आपका उत्तर होगा एपिडर्मिस। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए है वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न वीडियो से पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि स्लीएडिट एपिथीलियम उपस्थित होते हैं, तो आपको याद रखना है ये होते हैं ट्रेकिया में। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रिया ब्लास्ट उपस्थित होते हैं, तो आपका उत्तर होगा लैमिला में। अगला सवाल है कि लिगामेंट द्वारा आपस में जुड़ते हैं, तो आपका उत्तर होगा पेशियां अस्थियों में। अगला सवाल है कि रुधिर के द्रवीय भाग को कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा प्लाज्मा। अगला सवाल है कि स्मूथ पेशियां उपस्थित होती हैं, तो आपका उत्तर होगा इन सभी में। अगला सवाल है कि पादप ऊतकों में परिपक्वता की अवस्था में जीवित प्रोटोप्लाज्मा का अभाव होता है, तो आपका उत्तर होगा स्केलेरेन काइमा। अगला सवाल है कि संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है, तो आपका उत्तर होगा कोलेजन तंतुओं द्वारा। अगला सवाल है कि टेंडन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, तो आपका उत्तर होगा पेशियां अस्थियों से। अगला सवाल है कि एरियोलार ऊतक मौजूद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा संयोजी ऊतकों के बीच। अगला सवाल है कि फ्लोएम का कार्य है, तो आपका उत्तर होगा भोजन का संवहन। अगला सवाल है कि रेखित पेशियां उपस्थित होती हैं, तो आपका उत्तर होगा इन सभी में। अगला सवाल है कि ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा छोटी आंत में। अगला सवाल है कि एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि के सिरे से जुड़े होते हैं, तो आपका उत्तर होगा लिगामेंट द्वारा। अगला सवाल है कि जीव विज्ञान की शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाती है, तो आपका उत्तर होगा टैक्सोनॉमी। अगला सवाल है कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा मेंडल को। अगला सवाल है कि वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो आपका उत्तर होगा स्पीसीज। अगला सवाल है कि शैवाल इससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा सभी से। अगला सवाल है कि द्विपद नाम पद्धति के प्रस्तावक थे, तो आपका उत्तर होगा कैरोलस लाइनिस। अगला सवाल है कि शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन है, तो आपका उत्तर होगा स्टार्च। अगला सवाल है कि आइकेन का एल्गल सहयोगी कहलाता है, तो आपका उत्तर होगा फाइकोबायट में। अगला सवाल है कि टेरिडोफाइट्स कहे जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा फंस। अगला सवाल है कि जिम्नोस्पर्म्स किसके द्वारा अभिलक्षणित होते हैं, तो आपका उत्तर होगा नग्न बीज। अगला सवाल है कि न्यूमेटिक अस्थियां किस में पाई जाती हैं, तो आपका उत्तर होगा मोर में। अगला सवाल है कि बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है, तो आपका उत्तर होगा मैमेल संघ में। तो दोस्तों, आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।